गुड आफ्टरनून एवरीवन, विनायक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि यूरिनरी सिस्टम मोस्टली होता क्या है, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम के अंदर मैंने क्या बताया था कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कि क्या काम करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट को प्रोडक्शन को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है ना, और यूरिन का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। और आपके यूरिनरी सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, रिनल सिस्टम बोलते हैं। इसी का क्या है दूसरा नाम, रिनल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन काम में आता है वो कौन सा है, अपना किडनी। कौन सा है, अपना किडनी। ठीक है ना, अब किडनी के बारे में पढ़ रहे थे। किडनी की हमने क्या क्या पढ़ा था कि नॉर्मल होता है क्या है किडनी। तो किडनी क्या है, दो पैर में क्या होती है, एक पैर में होती है। एक पैर का मीन्स हो गया, पैर का क्या मीन्स होता है, पैर का मीन्स होता है एंड दो, या फिर जोड़ा जिसको बोलते हैं। जॉइंटली क्या करते हैं, इसमें दो नंबर में कितने होते हैं, दो। ठीक है ना, तो इस जॉइंटली इसको क्या बोलते हैं, पैर। ठीक है, तो कितने पैर होते हैं इसके, एक पैर में कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, इसका हमने नॉर्मल वेट पढ़ लिया था, किडनी का हमने नॉर्मल वेट पढ़ लिया था। नॉर्मल वेट एवरेज मैंने आपको बताया था, ठीक है, 150 mg। कितना बताया था मैंने आपको, 150, डेढ़ सौ ग्राम बताया था। ठीक है ना, अब वो मैंने आपको अलग अलग बताया था कि फीमेल के अंदर मैंने कितना बता दिया आपको, वन मेल के अंदर कितना बताया था आपको, 135 से लेके 125 से लेके 175 ग्राम तक है। ठीक है ना, और वहीं पर अगर फीमेल की बात करते हैं तो 150 से लेके कितना है, 155। ठीक है ना, लेकिन इसका एवरेज याद रखने का यही है कि 150 तक क्या होता है इसमें, वेट होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कलर, कलर मैंने आपको क्या बताया था, रेडिश ब्राउन कलर। कौन सा है, रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसकी शेप बताई थी मैंने, तो शेप कौन सी होती है, बीन शेप। कौन सी होती है, बीन शेप। बीन शेप का मीन्स क्या होता है, सेव के आकार, क्या होता है, सेव के आकार के। ठीक है, इसके अलावा कलर हो गया। ठीक है ना, अब इसका मेजरमेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मेजरमेंट के अंदर ये क्या है, अपने एक किडनी है। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी लेंथ है, तो लेंथ मैंने आपको कितनी बताई थी, 10 to 11, या फिर सॉरी 11 to 12, 11 to 12। 11 किस में होती है, फीमेल के अंदर होती है, और 12 किसके अंदर होती है, मेल के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात किसकी कर रहे थे, इसकी थिकनेस की, किसकी बात कर रहे थे, इसकी थिकनेस की बात कर रहे थे। थिकनेस कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके अलावा बात कर रहे थे हम किसकी, इसकी वेट की, तो वेट कितनी बताए थे मैंने आपको, 6 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ दिया था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसके जो भी इसकी लोकेशन की कहाँ पे होती है। तो पेरिटोनियल कैविटी का नाम सुना है, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी नाम सुना है क्या, पेरिटोनियल कैविटी, या फिर इसी का दूसरा नाम है अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी नाम सुना है, ठीक है, तो ये सिचुएटेड कहां पे रहती है, अब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी रहती है। लेकिन इसके कहां पे सिचुएटेड रहती है, पोस्टीरियर साइड में। कहां पे, पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड रहती है। ठीक है ना, मीन्स इसके जो पीछे है कोई भी ऑर्गन सिचुएटेड नहीं रहता है, इसके पीछे के साइड में कोई भी ऑर्गन सिचुएटेड नहीं रहता है। ओनली फॉर क्या रहती है, अब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट रहती है, अब्डोमिनल मसल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या रहती है, अब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट रहती है, या फिर बोल सकते हैं अब्डोमिनल मसल्स। कौन क्या रहती है, अब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो मीन्स इसका दूसरा नाम क्या है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी, रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी, रेट्रो पेरिटोनियल। रेट्रो का मीन्स होता है बिहाइंड, रेट्रो का मीन्स होता है बिहाइंड पार्ट किसका, पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के पीछे की साइड में जो सिचुएटेड रहती है वो क्या है, किडनी। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कई बार कि कोई भी रिनल प्रोसीजर करते हैं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं रिनल पे, तो कहाँ से करते हैं, पीछे की साइड से, बैक साइड से, या फिर हम क्या करते हैं, लेटरल साइड से। कहीं पर भी आपने देखा होगा किसी को रिनल स्टोन, किसी को रिनल स्टोन है, उस कंडीशन में उसके सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लेटरल साइड में करते हैं। एंटीरियर साइड क्यों नहीं करते, क्योंकि एंटीरियर साइड में बहुत सारे अब्डोमिनल ऑर्गन रहते हैं।
हमें क्या है, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उनको सेपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद में प्रोसीजर करना है, तो वो काफ़ी क्या है टिपिकल है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, हम लेटर साइड में करते हैं, ठीक है। तो रेट्रोपेट्रोलर कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड रहती है। नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि आपकी जो किडनी है ये टोटल कार्डियक आउटपुट का, टोटल कार्डियक आउटपुट का 22-25% ब्लड फिल्टर करती है या रिसीव करती है, सॉरी रिसीव करती है, क्या करती है ये रिसीव करती है, मतलब टोटल कार्डियक आउटपुट का, टोटल कार्डियक आउटपुट का 22-25% ब्लड को क्या करती है ये रिसीव करती है। मीन्स टोटल कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट का मीन्स होता है कि अपना हार्ट है वो 1 मिनट में कितने ब्लड को सर्कुलेट करता है, 1 मिनट में कितने ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट है कि आपका हार्ट है वो 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर निकाल रहा है, एक ऑल आवर बॉडी के अंदर कितना ब्लड बाहर निकाल रहा है, तो उसका 22-25% ये एक के लिए क्या करती है आपकी किडनी रिसीव करती है, ठीक है ना। अगर ML की अगर बात करते हैं तो ये 1000-1300 ML को क्या करती है ये रिसीव करती है पर मिनट, तो क्या करती है रिसीव करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो होता है 5-6 लीटर पर मिनट, 5-6 लीटर पर मिनट। अब इसका 22-25% क्या करती है अकेले रिसीव करती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई इसके अंदर। अब नेक्स्ट है कि इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके रिलेशन की बात करते हैं, इसके रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन के अंदर यहां पे जो भी रिनल है उसके अंदर दो पोल प्रेजेंट होते हैं। पोल का मीन्स जानते हो, ये क्या है स्टोन है, सॉरी किडनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये एक पोल तो ये हो गया, ये एक हो गया, ये इसमें क्या होते हैं दो पोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें पोल कितने प्रेजेंट होते हैं, दो पोल प्रेजेंट होते हैं। अपर पोल कौन सा है, ये यहां पे क्या अटैच होती है सुप्रा रेनल ग्लैंड, कौन सी सुप्रा रेनल ग्लैंड या एड्रेनलिन ग्लैंड, नाम सुना हुआ है एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ठीक है ना। तो ये दो पोल इसमें होते हैं, अपर एंड लोअर पोल, दो हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सरफेस, नेक्स्ट क्या होती है सरफेस, सरफेस की बात करते हैं, सरफेस कितने होते हैं, दो सरफेस होते हैं, ठीक है ना। एक होता है एंटीरियर सरफेस और सेकंड कौन सा होता है पोस्टीरियर सरफेस, इसमें दो सरफेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये अब बात करते हैं कि अपने नॉर्मल बेसिक अब कंप्लीट है, आपकी जो भी रीनल क्या होती है यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर, अब है आपकी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो सबसे पहले सुपरफिशियली स्ट्रक्चर देखना है, सुपरफिशियली स्ट्रक्चर मीन्स कौन सा ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, शायद मैंने आपको सुबह बता भी दिया होगा, ठीक है। तो आउटर सरफेस के अंदर बात करते हैं, तो आउटर सरफेस के अंदर क्या होता है कि ये क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है अब्डोमिनल आउटा आता है, अब्डोमिनल आउटा के अंदर रीनल आर्टरी आती है, ठीक है। और जाती कौन है, रीनल वेन, कौन जाती है रीनल वेन, जो कि क्या काम करती है इसमें ब्लड सप्लाई का काम करती है, क्या काम करती है इसमें ब्लड सप्लाई का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो एरिया है या कवरिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो इसमें तीन कवरिंग होती है, इसकी इसकी तीन कवरिंग होती है, ठीक है ना। हाँ, इसमें तीन कवरिंग होती है, ठीक है ना। इंटरनल जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, क्या बोलते हैं
रीनल कैप्सूल, जो कि क्या होता है, फाइबर्स टिश्यू का बना हुआ होता है। रीनल कैप्सूल्स होता है वो फाइबर्स टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है ना, जिनका काम होता है प्रोटेक्शन करना और आप जो भी किडनी है उसको सेफ प्रोवाइड करवाना। तो रीनल कैप्सूल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना और सेफ प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सेकेंड अगर बात करते हैं मिडल, इसे बोलते हैं एडिपोज, क्या बोलते हैं इसको, एडिपोज, ठीक है ना, या फिर फैटी रीनल, क्या बोलते हैं इसको, फैटी रीनल, मींस क्या होता है इसमें, फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है इसमें, फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और एक आपकी लास्ट लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, आपकी रीनल फेसिया, क्या बोलते हैं इसको, रीनल फेसिया, रीनल फेसिया एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग लेयर होती है जो कि बिल्कुल बारीक होती है, ठीक है ना, बिल्कुल बारीक लेयर होती है जो कि किसका सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, आपके एडिपोज टिश्यू और कैप्सूल को भी क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। रीनल कैप्सूल की अगर बात करते हैं तो रीनल कैप्सूल एक क्या है, फाइबर्स का बना हुआ होता है, रीनल कैप्सूल क्या है, एक फाइबर्स टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी, इसके अंदर क्या होता है, हाईली नर्व सप्लाई होती है, इसके अंदर क्या होती है, हाईली नर्व सप्लाई होती है, मतलब यहाँ पे नर्व सप्लाई क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। बाकी जो एरिया है इसके अंदर ओनली फॉर क्या होता है, ये फैटी टिश्यू है, ठीक है, जो कि इनका काम क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का या फैटी रीनल फैटी है, इनका काम होता है आपकी जो रीनल है इसको अप्रोप्राइट पोजिशन में होल्ड रखना। आपके रीनल फेसिया और एडिपोज टिश्यू का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड कराना, किसी भी ट्रोमा से प्रिवेंट करना, कोई भी ट्रोमा से क्या करना है, प्रिवेंट करना है, और साथ में क्या करना है, इनकी जो भी नॉर्मल पोजीशन है वहां पे इनको क्या करना है, हमको होल्ड रखना है, ठीक है ना। तो ये काम किसका होता है, रीनल फेसिया, एडिपोज टिश्यू या फिर रीनल फैटी टिश्यू या फिर रीनल कैप्सूल, तीनों काम क्या करती, तीनों मिलकर इसको क्या करती, नॉर्मल पोजिशन में बनाए रखती, ठीक है। तो ये तो हो गया सुपरफिशली, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें ग्रॉस स्ट्रक्चर या वर्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं इसकी किडनी की, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट की अगर बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना, तो अंदर के अंदर की साइड में एक लेयर थी, उसका क्या नाम था, रीनल कैप्सूल, क्या काम था, क्या नाम था उसका, रीनल कैप्सूल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर एक कुछ पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, अभी बताता हूं मैं, इसमें क्या होता है, कुछ पिरामिड्स बने हुए होते हैं ट्रायंगुलर शेप में, जो कि पिरामिड्स काउंट में कितने होते हैं, 6 to 12 है, कितने होते हैं, 6 to 12 पिरामिड्स इसमें बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो एरिया होता है आपका, जो ये जो एरिया है ये खाली, ठीक है ना, ये जो एरिया होता है वो 80% कवर करता है किसका, आपकी किडनी का, ठीक है ना। ये जो एरिया होता है आपके कैप्सूल और, ठीक है ना, कैप्सूल और पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो आपके टोटल रीनल का कितना परसेंट होता है, 80% स्पेस यहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इस एरिया को बोलते हैं क्या है, रीनल कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। तो जनरल से अगर बात करते हैं तो रीनल कॉर्टेक्स आपके रीनल एक्ट के अंदर कितना परसेंट एरिया को कवर करता है, 80%, कितने को करता है, 80% एरिया को ये कवर करता है, ठीक है ना। अब ये बात करते हैं इसमें ट्रायंगुलर शेप में ये क्या है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में कौन सा है, रीनल पिरामिड्स, क्या है, रीनल पिरामिड्स, ठीक है। अब इसका ये जो एरिया है आगे का टिप लाइक एरिया है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं यहां पे जो एरिया है ये तो होता है अपेक्स, क्या होता है, अपेक्स होता है, और ये क्या होता है इसका बेस, इसको क्या बोल सकते हैं, रीनल बेस, क्या बोलते हैं इसको, रीनल बेस, और इसको क्या बोलते हैं, रीनल अपेक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो भी पिरामिड्स बने हुए हैं,
आपके जो भी पैरामीटर्स बने हुए इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इनके बीच में क्या है स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को बोलते हैं रीनल कैलम, रीनल इसको बोलते हैं रीनल कैलम, रीनल कैलम बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं रीनल कैलम, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, एक एरिया प्रेजेंट है, ये खाली एरिया है, ठीक है ना, इस एरिया को बोलते हैं माइनर कैलिक्स, क्या बोलते हैं माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, ठीक है। इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है, कुछ लार्जर एरिया प्रेजेंट होता है, इसके नीचे क्या होता है लार्जर एरिया प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, इसको क्या बोलते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके रिनल कैप्सूल, आपके जो भी कॉर्टेक्स है, रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, और मेजर कैलिक्स, सॉरी रिनल पेल्विस, ये जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं रिनल पेल्विस, इसको क्या बोलते हैं रिनल पेल्विस, ठीक है ना। तो रिनल पेल्विस और रिनल कॉर्टेक्स, इन दोनों के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रिनल मेडुला। रिनल कॉर्टेक्स आपने कौन सा पढ़ा है, 80% एरिया कवर करता है, 80% एरिया को क्या करता है कवर करता है, ठीक है ना। तो आपके कॉर्टेक्स और आपके जो भी रिनल पेल्विस है इनके बीच के एरिया जितना ऑक्यूपाइज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं रिनल मेडुला, क्या बोलते हैं उसको रिनल मेडुला। और जहां से यूरेटर, ठीक है सॉरी जहां से रिनल आर्टरी वेसल्स क्या करती है पास होती है उसको बोलते हैं रिनल हाइलम, उसको क्या बोलते हैं रिनल हाइलम, क्या बोलते हैं उसको रिनल हाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि आपके किडनी की, ठीक है ना। अब यहां से क्या निकल रही है आपके यूरेटर निकलता है, यहां पे एब्डोमिनल आउटर निकलता है, ठीक है ना। तो इसको आगे की डिटेल्स हर एक एक ऑर्गन के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो नेक्स्ट है। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कंटिन्यू अपन, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैंने स्ट्रक्चर के अंदर क्या बताया है कि आपके 80% जो पार्ट होता है वो किसका होता है कॉर्टेक्स का हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 80% पार्ट किसको दे देते हैं, कॉर्टेक्स को दे देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पिरामिड्स आ गए, ऐसे 12 होते हैं नंबर में, ठीक है। ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है किसका बताया मैंने, कॉर्टेक्स का बताया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का नाम तो सुना है, यहाँ तक इतना पढ़ लिया नेफ्रॉन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो नेफ्रॉन की अगर बात करते हैं तो आपके जो नेफ्रॉन है वो ब्लड कलेक्ट कहाँ से करते हैं, आपके कॉर्टेक्स एरिया से करते हैं, कहाँ से करते हैं कॉर्टेक्स एरिया से ही क्या करते हैं ये ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। तो इसका जो भी ग्लोमेरुलस कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे निकला हुआ रहता है आपके कॉर्टेक्स एरिया के निकला हुआ रहता है। इसके काउंट की अगर बात करते हैं तो 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर क्या होते हैं 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और एक रिनल किडनी के अंदर क्या होते हैं 5 log प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, 5 log प्रेजेंट होता है। लॉग कितने परसेंट होते हैं, 5 log परसेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक कि इसके अंदर आसपास में कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं, आपकी किडनी के अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं, ऑर्गन तो रहते हैं ना, ये तो है नहीं कि किडनी आपकी अकेली है, इसमें क्या रहते हैं ऑर्गन भी सिचुएटेड रहते हैं। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि आपकी रिनल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट कहाँ पे होती है आपके एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की साइड, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे के पार्ट को में सिचुएटेड रहते हैं, जिसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, क्या बोलते हैं उसको रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी उसको बोलते हैं, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी मैंने आपको क्यों बताया था,
क्योंकि इसके पीछे की तरफ क्या होते हैं, ओनली फॉर या तो मसल्स प्रेजेंट होते हैं या क्या प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रा, या तो मसल्स प्रेजेंट होती है या क्या प्रेजेंट होती है इसके अंदर, वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड की किडनी, लेफ्ट किडनी की साइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड कौन सी होती है, ये इस साइड को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी लोकेशन अगर बात करते हैं, आपको बॉडी की पोस्चर पढ़ाई स्टार्टिंग में, आपको जैसे ही बॉडी की पोस्चर पढ़ाई थी तो उसमें आपने पढ़ा होगा हाइपोगैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रिक रीजन पढ़े, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पढ़े है ना, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आपकी किडनी है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होती है, एपिगैस्ट्रिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, एपिगैस्ट्रिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक मीन्स जो बीच का एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं, और साइड वाले एरिया को क्या बोलते हैं, हाइपरगैस्ट्रिक, ठीक है ना। तो इसमें है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर, कि इसके अंदर क्या है कि आपके एंटीरियर साइड में क्या होता है, ऑल आवर जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है वो क्या रहते हैं, इसमें सिचुएटेड रहते हैं, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सभी क्या रहते हैं, किडनी से तो आगे ही, किडनी से तो आगे ही है। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं एंटीरियर साइड में, स्टोमक क्या रहता है, स्टोमक रहता है, ठीक है, स्टोमक के साथ में और क्या क्या रहता है यहाँ पे, स्टोमक के साथ में जुजिनम क्या रहता है, जुजिनम। अब जुजिनम क्या होता है, जुजिनम होता है आपके इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट, आपके इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं, जुजिनम। जैसे ही आप ये स्टोमक है, स्टोमक से यहाँ क्या होता है, ये ड्यूडिनम आता है, ड्यूडिनम का ये जो एंड पार्ट है, इसका जो एंड पार्ट है ये जो कौन सा होता है, जुजिनम, कौन सा होता है, ये जुजिनम होता है, ठीक है। और क्या रहता है, स्प्लीन, क्या रहता है इसके अंदर, स्प्लीन, और क्या रहता है, पैनक्रियाज, क्या रहता है, पैनक्रियाज, ठीक है ना। ये तो क्या रहते हैं, एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं आपकी लेफ्ट किडनी की साइड में, किसकी साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपीरियर, बात करते हैं सुपीरियर कौन कौन से प्रेजेंट होता है। तो सुपीरियर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं सुप्रारिनल ग्लैंड, क्या बोलते हैं उसको, सुप्रारिनल ग्लैंड। सुप्रारिनल ग्लैंड को दूसरा नाम मैंने आपको बताया था अभी, एड्रेनलिन ग्लैंड, कौन सी, एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी किडनी है, ठीक है ना, ये आपकी किडनी है, इसके इस एरिया के ऊपर यहाँ पे क्या होती है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सुप्रा रिनल ग्लैंड बोलते हैं या एड्रेनलिन ग्लैंड यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अलावा बात करते हैं कि इसके पोस्टीरियर साइड में क्या है, पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियर साइड की अगर बात करते हैं तो पोस्टीरियर साइड में मैंने आपको क्या बताया था, एब्डोमिनल मसल्स, क्या बताया था इसमें, एब्डोमिनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सी, पोस्सेस, पोस्सेस मेजर एक मसल्स होती है जो कि क्या काम करती है, एज ए लिगामेंट का काम करती है, आपकी जो भी रिनल की पोजीशन है उसको मेंटेन या एक्यूरेट पोजीशन, नेचुरल पोजीशन में बनाए रखने का काम है, करती है, ठीक है ना। और एक मसल्स और प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटम लंबोरियम, ठीक है ना। ये मसल्स प्रेजेंट कहां पे होती है, पोस्टीरियर, आपके पोस्टीरियर साइड में होती है, ठीक है ना। एक चीज और प्रेजेंट होती है, डायाफ्राम, और क्या प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम भी इसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके लेफ्ट साइड की किडनी होती है, उसके रिलेशन में आसपास में कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। तो इसमें मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, ठीक है ना, हाँ, तो कौन कौन से बताया, लेफ्ट किडनी के अंदर एंटीरियर साइड में स्टोमक बताया था, ठीक है ना, एंटीरियर साइड स्टोमक हो गया, जुजिनम हो गया, ठीक है ना, स्प्लीन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, तो ये तो कौन से हो गए आपके लेफ्ट साइड के अंदर, स्टोमक है, ठीक है ना, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर सिचुएटेड रहता है स्टोमक, ठीक है ना। जुजिनम, जुजिनम क्या होता है, लेफ्ट साइड के अंदर होता है, ठीक है। स्प्लीन, स्प्लीनिक डक्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अलावा बात करते हैं इसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर सुप्रारिनल, सुपीरियर साइड में बात करते हैं तो सुप्रारिनल ग्लैंड सिचुएटेड रहती है, ठीक है ना। और पोस्टीरियर की अगर बात करते हैं तो पोस्टीरियर मेजर मसल्स या फिर क्वाड्रेटम लिब्रिडम मसल्स प्रेजेंट होती है, और एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और क्या क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राइट किडनी क्या रहती है, राइट किडनी,
अब राइट किडनी कहां पे सिचुएटेड है? राइट साइड में। कहां पे सिचुएटेड है? राइट साइड में। अगर राइट साइड में सिचुएटेड है तो सबको पता है कि एंटीरियर में राइट साइड में अब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं। तो अब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, मैंने आपको बताया था। राइट पार्ट ऑफ लीवर, राइट पार्ट ऑफ लीवर या फिर राइट लॉब ऑफ लीवर, राइट लॉब ऑफ लीवर, लीवर का राइट साइड का पार्ट क्या होता है, इसके अपोजिट ऊपर की साइड में होता है। नेक्स्ट इसके अलावा बात करते हैं ड्यूडिनम क्या रहता है। ड्यूडिनम भी क्या रहता है, इसके एंटीरियर साइड में सिचुएटेड रहता है। इसके अलावा हेपेटिक डक्ट कौन क्या रहती है, हेपेटिक डक्ट, डक्ट का मीन्स जानते हो ट्यूब, लीवर से जो भी ट्यूब निकलती है उसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट, इसके आगे की तरफ क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। ठीक है, और बताओ ऐसा एंटीरियर साइड में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि रेनल से आगे की तरफ सिचुएटेड रहते हैं, और बताओ कौन कौन से। और कौन कौन से रहता है, स्प्लीन, सॉरी ठीक है, एक होते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स जो कॉलोन है वो भी क्या होती है, आगे की तरफ सिचुएटेड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सुपीरियरली, तो सुपीरियरली वहां पे जो पढ़ा था वही है, सुपीरियरली कौन सी होती है, सुप्रारेनल ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, सुप्रारेनल ग्लैंड वो, या फिर एड्रेनलिन ग्लैंड, कौन सी होती है, एड्रेनलिन ग्लैंड यहाँ पे सिचुएटेड रहती है। पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर आपने वहां पे मसल्स पड़ी थी, कौन कौन सी मसल्स पड़ी थी, अपनी जो भी फोसेस मसल्स, और कौन सी, क्वाड्रेटरम, लोबुलम, ठीक है, और इसके अलावा क्या बताया था मैंने, डायफ्राम, और क्या होता है, डायफ्राम मींस ये होता है कि डायफ्राम है वो आपके लंग से इसके पीछे की तरफ होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, स्लाइटली पीछे बैकवर्ड की तरफ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके रीनल के भी क्या होता है, पीछे की तरफ आता है। ठीक है ना, इसके अलावा पोस्टीरियर में एक चीज रह गई है आपकी वर्टिब्रा, क्या होती है, वर्टिब्रा, या फिर बोल सकते हैं आपके जो भी थोरेसिक वर्टिब्रा है या रिब्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, आपकी जो भी रिब्स है, रिब्स के अंदर आपकी 11th और 12th जो रिब्स है, 11th और 12th रिब्स क्या होती है, फ्लोटिंग टिप्स बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, फ्लोटिंग का मींस मतलब किसी से कनेक्ट नहीं होती, ये किसी भी लिगामेंट या किसी भी कार्टिलेज से क्या होती है, कनेक्ट नहीं होती है, ये क्या होती है, ऐसे ही होती है, आप जॉइंट नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, इसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया इसके रिलेशन ऑफ रिनल, तो यहां तक वापस रिवीजन कर लो एक बार। आज हमने स्टार्ट किया है कि नॉर्मल किडनी क्या होती है क्या नहीं होती, वो हमने पढ़ लिया था पहले क्लास में, इस क्लास में हमने स्टार्ट किया था नॉर्मल मेजरमेंट या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि किडनी होती क्या है, तो पैर में क्या होती है, एक ये क्या होती है, पैर में होती है, मीन्स इसके दो जोड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, दो जोड़े होते हैं। राइट साइड की किडनी क्या होती है, स्लाइटली डाउन होती है किसकी तुलना में, आपके लेफ्ट की तुलना में, क्यों, क्योंकि वहां पे लीवर ऑक्यूपाइज होता है, वहां पे क्या होता है, लीवर ऑक्यूपाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके वेट के अंदर बात कर रहे थे, तो 150 ग्राम इसका वेट कितना है, 150 ग्राम होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है कि इसका कलर, तो रेडिश ब्राउन कलर होता है, इसके अंदर 5 लोब प्रेजेंट होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर होता है और इसके अंदर 5 लोब प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेजरमेंट है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 11 to 12 सेंटीमीटर, 11 to 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, थिकनेस की अगर बात करते हैं 3 सेंटीमीटर होती है, विड्थ की अगर बात कर सॉरी विड्थ की अगर बात करते हैं 3 सेंटीमीटर कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, ये मेन लोकेटेड कहां पे रहती है, तो पेरिटोनियल कैविटी के पीछे की साइड में, पेरिटोनियल कैविटी के क्या होती है,
पीछे की साइड में सिचुएटेड रहती है या फिर अब्डोमिनल कैविटी के पीछे की साइड में सिचुएटेड रहती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। तो वहां पे क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, किडनी। तो किडनी क्या करती है, टोटल कार्डियक आउटपुट का 20-25% ब्लड को क्या करती है, रिसीव करती है। 20-25% ब्लड को क्या करती है, रिसीव करती है, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर बात करते हैं कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट पर मिनट कितना होता है, एक रेस्ट कंडीशन में बात करते हैं, अगर कोई पर्सन रेस्टिंग की कंडीशन में, उसके दौरान क्या होता है, 5-6 लीटर पर मिनट ये क्या करता है, उसको फिल्टर करता है या फिर कार्डियक आउटपुट होता है, जिसमें से 1000 से 1300 ml पर ब्लड को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। अगर ये बात करते हैं कोई भी एक्सरसाइज है, एथलेटिक्स या फिर कोई एक्सरसाइज करने वाला पर्सन है, उसके कार्डियक आउटपुट चेंज होगा, उसका कार्डियक आउटपुट क्या होगा, चेंज होगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई का हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई कार्डियक हार्ट रेट। हार्ट रेट नॉर्मल 72 होती है, लेकिन आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि जैसे एक्सरसाइज होगी तो उसमें हमको पता है कि हार्ट पंपिंग ज्यादा करता है। हार्ट क्या करता है, पंपिंग ज्यादा करता है। क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा किसकी जरूरत होती है, ब्लड की, न्यूट्रिशन की या ऑक्सीजन की क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा नीड होती है। उनको फुलफिल करने के अंदर क्या करता है, कार्डियक कंपनसेशन का काम करता है। कंपनसेशन का मींस जो भी जल्दी से जल्दी क्या करना है, पूर्ति करना, जल्दी से जल्दी क्या करना, पूर्ति करना, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन की रेट बता रहा हूं मैं, 5-6 लीटर पर मिनट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसके रिलेशन की बात कर रहा था मैं, रिलेशन में है कि इसके ये स्ट्रक्चर हो गए। हाँ, तो स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अंदर की साइड में बाहर से देख रहे, अभी मैंने आपको वर्टिकली स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, बाहर से स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि बाहर से कैसी दिखाई देती है। तो इस टाइप से, ठीक है। तो अंदर की साइड में एक ब्लैक कलर की आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, वो क्या है, रीनल कैप्सूल। वो क्या है, रीनल कैप्सूल है, जो कि फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है, फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका काम होता है सेफ प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्शन करना, या कोई भी ट्रॉमा की कंडीशन में प्रोटेक्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट है रेड वाली लाइन है, उसको बोलते हैं एडिपोज या रीनल फैटी। इसको क्या बोलते हैं, रीनल फैटी, ठीक है ना। इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, इसका भी काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। रीनल कैप्सूल के अंदर हाईली नर्व सप्लाई होती है, रीनल कैप्सूल के अंदर क्या होती है, हाईली नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। और इसके आउटर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग लेयर होती है, जिसको बोलते हैं रीनल फेसिया। और रीनल फेसिया का काम एक ट्रांसपेरेंट होती है, जो कि इनको दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, इन दोनों को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। और साथ में आपकी रीनल है या किडनी है, उसको होल्डिंग रखने का काम करती है, उसको अपनी जगह पे होल्ड रखने का काम करती है, ठीक है। तो यहीं पर एक वर्ड है नेफ्रो, यहां पे एक वर्ड आता है नेफ्रोप्टोसिस, नेफ्रोप्टोसिस या फिर फ्लोटिंग किडनी, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग किडनी, ठीक है। मींस इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, आपके रीनल फेसिया बताया था आपको, एक क्या बताया था, रीनल फेसिया। रीनल फेसिया क्या कर देता है, कम हो जाता है, या फिर रीनल फेसिया के अलावा और क्या है, एडिपोज टिश्यू। क्या बताया था मैंने आपको, एडिपोज टिश्यू, ये दोनों का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ये कम हो जाएगी तो आपकी जो रीनल है, रीनल क्या हो जाएगी, नॉर्मल पोजिशन से क्या हो जाएगी, डिप्लेस हो जाएगी। नॉर्मल इसकी जो भी पोजिशन है या नेचुरल जो पोजिशन है, उससे क्या हो जाएगी, ये डिस्प्लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। डिस्प्लेस का मीन्स है अप डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अप डाउन हो जाएगी। और अप डाउन हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, उसको आपको बोलते हैं रीनल फेसिया। और ये जो मोस्टली कंडीशन देखने को मिलती है, वो मोस्टली किसमें देखने को मिलती है, फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है, ये फीमेल में देखने को मिलती है, या फिर किसमें देखने को मिलती है, आपकी जो भी थिन पर्सन होते हैं, पतले लोग होते हैं, उसके अंदर ये मोस्टली देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में एक पॉइंट और है कि किडनी की शेप मैंने आपको कैसी बताई थी, बीन शेप बताई थी। किडनी की शेप कैसी बताई थी, बीन शेप बताई थी। लेकिन बीन शेप ना होके ये कैसी है, हॉर्स शूज शेप है, हॉर्स शूज शेप है। मतलब ये आपकी किडनी है, ये क्या है, आपकी
किडनी है, ये कौन सी हो गई राइट हो गई, और ये कौन सी हो गई लेफ्ट हो गई, ठीक है ना। ये आपकी किडनी है, इसका मींस है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान आपकी किडनी क्या क्या होती है, ज्वाइंटली होती है, लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट होता है उसके बाद में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, ये सेपरेट हो जाती है, लेकिन किसी भी कारणवश। अब इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण होने का कारण है कि एक तो डाउन सिंड्रोम या कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से, कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से ये आपस में क्या नहीं हो रही है, सेपरेट नहीं हो रही है, ये क्या नहीं हो रही है, सेपरेट नहीं है। अगर सेपरेट नहीं है तो ये आपको स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है, आपको घोड़े के पैर के आकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है आपको, घोड़े के पैर के आकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आपके हॉर्स सोज शेप इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमने इंटरनली स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, रेनल कैप्सूल समझ में आ गया, आउटर जो कवरिंग लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं वर्टिकल, हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं या विजुलाइज करते हैं इसको, तो इसके अंदर हमको क्या क्या दिखाई देता है, तो आउटर जो कवरिंग लेयर हमको एक दिखाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं रेनल कैप्सूल, क्या बोलते हैं इसको अपन, रेनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एक आपको इनर एक लाइनिंग दिखाई दे रही है, थोड़ी सी डीपली एक रेनल दिखाई दे रही है, या फिर ये लेयर नहीं है मान लो, ठीक है ना, आपको पिरामिड लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या ट्राइंगुलर एक शेप दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलते हैं रिनल पिरामिड्स, क्या बोलते हैं उसको रिनल पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। रिनल पिरामिड्स और आपको कैप्सूल के बीच में जो भी स्पेस दिखाई दे रहा है, रिनल पिरामिड्स और ये रिनल कैप्सूल, इन दोनों के बीच में आपको जो भी स्पेस दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन रिनल कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको अपन रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। जो कि मैंने आपको बताया था कि 70-80% एरिया को क्या करता है, कवर करता है, और आपके जो भी नेफ्रॉन्स है उनका जो भी बाउमन कैप्सूल होता है वो ओपन कहां पे होता है, आपके कॉर्टेक्स एरिया के अंदर ही होता है, कहां पे होता है कॉर्टेक्स एरिया के अंदर होता है, यहीं से क्या करता है ब्लड को रिसीव करता है और फिर क्या करता है फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस तो कहां पे होती है पिरामिड्स के अंदर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड्स के अंदर, आपको बताया था मैंने कि जो कॉर्टेक्स साइड में उसको क्या बोलते हैं रिनल बेस, जो कॉर्टेक्स की साइड में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं पिरामिड्स के बेस बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको जो भी माइनर कॉर्टेक्स की साइड है या फिर रिनल पेल्विस की साइड में जो भी टिप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, उस टाइप इस एरिया को क्या बोलते हैं अपेक्स, तो क्या बोलते हैं रिनल अपेक्स, ठीक है ना। इसके अलावा है कि आपको एक लार्जर एरिया दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो भी स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं माइनर कॉर्टेक्स। उसके बाद में आपको कुछ ज्यादा एरिया दिखाई देगा उसको क्या बोलते हैं मेजर कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद में इसमें जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइनर कॉर्टेक्स मेजर कॉर्टेक्स के बाद में आपको जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेल्विस, रिनल पेल्विस, क्या बोलते हैं रिनल पेल्विस बोलते हैं। और इसके अलावा ये जांच आपकी रिनल वेसल्स है वो वहां से पास होती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन रिनल हाइलम, क्या बोलते हैं उसको रिनल हाइलम, ठीक है। और आपके पिरामिड्स के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं रिनल केलुनम, क्या बोलते हैं उसको रिनल केलुनम। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम, नेक्स्ट है